अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आपदा जोखिमों को कम करने के लिए जन जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करके प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंडी जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों को संवेदनशील बनाने और आपदा के समय बचाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर उन्हें शिक्षित करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आपदा जोखिमों को कम करने के लिए जन जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करके प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंडी जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों को संवेदनशील बनाने और आपदा के समय बचाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर उन्हें शिक्षित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। शेरी मंच पर समर्थ अभियान के तहत आपदा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सर्व आपदा रक्षक, स्कूली बच्चों, एनएसएस व एनसीसी के छात्रों को रैली की हरी झंडी देकर रवाना किया। जागरूकता रैली शहरी मंच से चौहाटा बाजार होते हुए पूरे मंडी शहर में निकालेगी और लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। आशुतोष गर्ग ने कहा कि मंडी जिले में आपदा जोखिम न्यूनीकरण जागरूकता अभियान के तहत 11 से 23 अक्टूबर के बीच विशेष अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि आपदा भूकंप की हो या किसी अन्य प्रकार की, यदि लोग जागरूक होंगे तो आपदा से होने वाले जान व माल को नुकसान को कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है। इस दौरान लोगों को आपदा प्रबंधन व भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने व सचेत रहने के बारे में जागरूक करने के लिए जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जिला मुख्यालय के साथ साथ समस्त उपमंडलों में भी सभी स्कूली बच्चों तथा व्यापार मंडलों व स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम व रैलियां आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से चलाए गए फोक मीडिया जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लोगों को प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। फोक मीडिया के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक, गीत व संगीत के माध्यम से लोगों को आपदा के समय सुरक्षा के उपाय व आपदा के न्यूनीकरण के बारे में जागरूक किया। सार्वजनिक स्थानों पर बैनर व पोस्टर लगाने के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन प्रचार सामग्री वितरित करके भी लोगों में जागृति लाने के लिए प्रयास किए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा, उपमंडलाधिकारी सदर निवेता नेगी, कार्यकारी जिला राजस्व अधिकारी जसपाल, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओम प्रकाश भाटिया आदि सर्व आपदा रक्षक उपस्थित थे। आज जो है यहाँ पे मंडी में हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे स्कूल के बच्चों की तरफ से एक रैली निकाली गई है और इस रैली को निकालने का मुख्य उद्देश्य यही है कि डिज़ास्टर को लेके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके हम आम लोगों में और मंडी जिला में और मंडी टाउन के सभी लोगों में जो है जागरूकता लाई जाए, उसके बारे में लोग समझें। और डिज़ास्टर, जैसा हम सबको पता है कि डिज़ास्टर चाहे नेचुरल हो चाहे मैनमेड डिज़ास्टर हो, लेकिन डिज़ास्टर में जो डिज़ास्टर की वजह से नुकसान है उससे ज़्यादा नुकसान कई बार इस चीज़ से हो जाता है कि उसके मिटिगेशन या उसके प्रति जो रिस्पांस होना चाहिए अगर वो हम टाइम से ना ले पाएँ। तो इस तरह के इवेंट्स और जैसे ये रैली रखी गई है, स्टेट लेवल पर भी एक वर्कशॉप इसके बारे में की जा रही है हर जगह। आज हम लोग सब डिविजनल लेवल पे और डिफरेंट ऑफिसेज में भी इस तरह की जागरूकता के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो उसका मेन पर्पस ये है कि हमारी डेली लाइफ में और हर तरह की हमारी एक्टिविटी में ये डिज़ास्टर रिस्पॉन्सिवनेस और डिज़ास्टर के प्रति हमारा मिटिगेशन अडेप्टेशन मेजर्स जो हैं वो हमारी लाइफ का हिस्सा बने, इसी पर्पस से हमने ये रैली की है और यही हमारा सभी लोगों के लिए संदेश है।